अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मैडम फराह और आप देख रहे हैं फराह हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे फराह हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, आज का सवाल ये है कि क्या बीवी की शर्मगाह का पानी शोहर पी सकता है? तो जवाब गौर से सुनिए। शोहर कोई भी हो, सेक्स करना, बीवी के साथ लुत्फ अंदोज होना बहुत पसंद करता है और शोहर बीवी के ऊपर चढ़ के सेक्स करना उससे भी ज्यादा पसंद करता है और बीवी भी अपने शोहर के नफ्स के ऊपर बैठ के शोहर का नफ्स अपनी शर्मगाह में डालकर अपनी शर्मगाह के नाजुक हिस्से यानी चमड़ी के ऊपर बार बार रगड़ना पसंद करती है। जब बीवी बार बार नफ्स को अपने नाजुक हिस्से पर रगड़ती है तो ऐसे महसूस करती है कि दुनिया की सारी लज्जत इसी में है, मजा भी इसी में है और लुत्फ भी इसी में है। और जो शोहर अपनी बीवी की शर्मगाह को नफ्स की टोपी के साथ रगड़ता है तो बीवी सारी जिंदगी ऐसे शोहर की गुलाम रहती है और काफी औरतें अपने शर्मगाह को शोहर की जुबान से रगड़वाती हैं ताकि उन्हें और ज्यादा मजा आए। और शोहर भी इस वक्त बीवी की शर्मगाह में जुबान मारता हुआ फुल जोबन में होता है। जब बीवी की शर्मगाह से पानी निकलता है तो शोहर का दिल है कि उसे भी पी लिया जाए, लिहाजा बीवी की शर्मगाह में जुबान डालना, बीवी की शर्मगाह चूसना या निकला हुआ पानी पीना ये सब हराम है। इससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं। अगर ये काम कोई भी मेरा भाई या बहन कर रहे हो तो बाज आ जाए, अल्लाह से तौबा करें कि आइंदा ये हराम काम हरगिज नहीं करेंगे।